राम राम जी सभी को, जो भी मेरा वीडियो देख रहे हैं। मैं आप लोगों को कुछ बताना चाह रही हूँ। मैं राजस्थान पुलिस में सर्विस करती थी। मैं 2003 के बैच की हूँ और मुझे निकाल दिया गया था रिटर्न फिजिकल सभी करने के बाद। उसके बाद मैं हाई कोर्ट से सर्विस लगी, तो मेरा संघर्ष वहीं से शुरू हो गया था जो मैं पहली बार कोर्ट से सर्विस लगी। और हरियाणा नाम नहीं लेते थे, अधिकारी हरियाणा वाली बोलते थे। मैं बीएड की हुई बंदी, हमेशा मैंने 12 साल संतरी ड्यूटी की है और राजस्थान की लड़कियां 8वीं पास भी हमेशा ऑफिसों में रही है। देखो जी, जातिवाद क्षेत्रवाद होता है, हम पाकिस्तान से कहां तक लड़ेंगे जो हमारे यहाँ इतना जातिवाद क्षेत्रवाद है। मेरी 9 साल की नौकरी बीकानेर की है, उसके बाद मैं ट्रांसफर दिल्ली आ गई 8 तारीख से। फिर वहां आरपीएस थे शंकर साय, वो 11 से मेरा पीछा करने लगे थे। और एक औरत का पीछा एक अधिकारी क्यों करता, आप लोगों को पता ही है, मैंने पूरा इस पे डाल रखा है। तो मैं ड्यूटी करती तो भी मेरी एब्सेंट डाल देता, मुझे बुलाता, लुंगी बांध के बुलाता, एक जंग पे से लुंगी हटा देता, बच्चों को वहां रखता, कॉन्स्टेबल वहां काम करते, मतलब बड़ी गंदगी फैला रखी थी। मतलब मैं यहाँ का राजा हूं, तुम पर जाओ, मेरे पैर दबाओ। तो मेरी कंपनी का चार्ज उनके पास आता तो बकवास करते हो। मेरे हाथ पे चोट लग गई तो मेरी एब्सेंट डाल दी और मेरे से काम भी करवाता। मैं ममता जी के पास गई, ममता शर्मा जी ने महिला आयोग, तो उन्होंने मेरी आमद करवाई। तो फिर उमेश जी आ गया आईपीएस, तो उनके सामने भी इन्होंने क्या किया, मेरे हाथ पे चोट लगी हुई थी तो भी बंदा मुझसे मेस में काम लेता और फिर भी मेरी एब्सेंट डाल दिया कि आपका हाथ टूटा, आप जाइए, क्योंकि जो चाहता था उसको मिल नहीं रहा था तो भेजो। देखो, आप लाइट ड्यूटी है, एड्स वालों के लिए लाइट ड्यूटी है, वहां जो उल्टे कर्म करके मर के आती हैं उनके लिए लाइट ड्यूटी दे रहे हैं। मैं नाम नहीं लेना चाहती किसी लड़की का, और मैंने विदाउट पे रहकर मेरे बच्चे को पाला है, और फिर बंदा मेरे को इतना, फिर दत्ता साहब ट्रेनिंग में चले जाते 15 दिन, फिर मेरी एब्सेंट डाल देता, फिर मेरे को बुलाता। फिर मैंने दत्ता साहब को फिर से कॉल किया, दत्ता साहब बोले मैं आ जाता हूँ, तब तक तो अपने घर रहे। दत्ता साहब ने जैसे सीएलपीएल मेरा मेडिकल करके वो कर दिया। फिर मेरी सर्जरी होने वाली थी तो मैं मेडिकल से आई, तो बंदा फिर मेरे को टोर से, मतलब 11 से लेके 14 आ गया। और आप कर रहे हो ना पेपर आउट की बात, हरियाणा राजस्थान ये वो, तो मेरी बटालियन में पेपर आउट हुआ था। महिला कॉन्स्टेबल ने अपनी बहन के लिए पेपर लिया, भाई के लिए लिया, उसकी बहन 8 तारीख से आरएसी में अभी भी पोस्टिंग है उसकी, और उसने अपनी बहन के लिए पेपर लिया। बहन 2,40,000 रेट था उस टाइम। फिर भाई के लिए लिया, अब उसका भाई लगा है या नहीं वो मुझे पता नहीं, लेकिन हाँ उसकी सिस्टर लगी है और वो अब हौलदार भी बन चुकी है। एक ने अपने भाई के लिए लिया, उसने तीसरी बार ट्राई कर रही थी अपने भाई के लिए, तो मतलब पेपर आउट था। एक आप बात बताइए, पेपर आउट बटालियन में था, इसकी इच्छा पूरी मेरे प्रति नहीं हो रही थी। इसने मेरे को बोला, राजेंद्र प्रसाद ने, कि तन मन धन से मैं तेरे लिए तैयार हूं। मैंने कहा श्रीमान जी, गवर्नमेंट 72,000 देती है, बहुत है पैसे, और रही तन और मन की बात तो मेरी फैमिली है, मुझे आपकी जरूरत नहीं है। हम यह सर्विस करने आए हैं, अपनी इज्जत बेचने खिलवाड़ करवाने हम नहीं आए हैं। तो बोला मैडम, आपके घर वालों ने बताया नहीं क्या, एक महिला कॉन्स्टेबल की क्या औकात होती है, तो आप भी बताइए महिला कॉन्स्टेबल की क्या औकात होती है। फिर उमेश जी ट्रांसफर चले गए इन्हीं की जाति के आगे शंकर साहब, आप तो ये पूछो कि पूरा राजपाट इन लोगों का हो गया। फिर दोनों ने मुझे टॉर्चर करना शुरू कर दिया, सर्जरी होने वाली थी, नहीं मेरे को सीएल दी, नहीं पीएल दी, नहीं मेरे को मेडिकल दी, और 8 तारीख में ऐसी ऐसी लड़कियां जिन्होंने वर्दी नहीं सिलवा रखी थी। मैं तो 8 साल पीछे से ड्यूटी करके आई हूँ, 2 चुनाव ड्यूटी की है, उस ड्यूटी की है, और मैंने गढ़साना किसान आंदोलन ड्यूटी की है 1 महीने, और वीआईपी ड्यूटी की है वहां हमारी पीटी परेड, और यहाँ तो बस अपने हाई कोर्ट चली गई, लड़कियां सैटरडे संडे ऑफ और मस्ती करती हैं, कोई पीटी नहीं परेड नहीं। लेकिन अब मेरे को इन लड़कियों को भी दिक्कत होने लगी,
अब ये डाक लेके क्या करते हैं, मेरी जो इंक्वायरी हुई इन्होंने मेरे को सस्पेंड करा। मैं मेडिकल मतलब मेडिकल के लिए गई, मैंने कहा सर मेरे को CLPL कुछ तो दे दो, मैं सर्जरी करवा लूं। बोला थोड़े दिन पहले तो तेरा हार्ट टूटा हुआ था, तो मैंने कहा कोई बात नहीं सर, ये चोटें हैं लग जाती है, तो आपने मेरे को कौन सी सुविधा दी है। तो मैं तो फिर भी मैच में 70 लोगों का खाना बनता था, आँख पे प्लस्तर था, फिर भी मैं ड्यूटी करती थी। तो मैंने कहा मेरी सर्जरी होने वाली है, तो आप मेरा 8 साल का बेटा है, तो आप मेरे CLPL मेडिकल दे दो। और मैं मेडिकल से आई थी 1 महीने से, तो उन्होंने कहा कि कुछ नहीं मिलेगी। मैंने कहा सर ऐसे क्या हो सकता, आपने एब्सेंट डाल रखी है, ऐसे ठीक नहीं है। बोला वो हमारी मर्जी है, सर्जरी करवा के तेरी सारी बीमारियां ठीक हो जाए तब आ जाए। तो मेरे फाइल मारी उन्होंने फेंक कर, शंकर साय राजेंद्र प्रसाद ने, उन्होंने मेरे को फाइल मारी। तो मैंने भी हाथापाई हो गई, मैंने भी मारा उनको, भई ऐसे मैं पिट कर कैसे आ जाऊं अधिकारियों से। उन्होंने मेरे को सस्पेंड कर दिया, डिसमिस तो लो चलो, मेरे को 17 में किया है। मेरी जांच करवाई इन्होंने, जांच मेरी नहीं हुई। जांच मेरे को बुलाते, मैंने कहा ठीक है मैडम मेरे तो वही बयान है, मैं बयान नहीं बदलूंगी। तो बोली वो तो ठीक है कि बयान तो हम अपनी मर्जी से लेंगे, चाहे तुम कुछ ही बोलो। तो मैं बयान देने जाती, शंकर साय राजेंद्र प्रसाद दोनों चेयर डाल के बैठ जाते, वही तो राजा और वही चोर है। मैंने मेरे डैडी, मैं डीजी के पास गए तो उन्होंने झूठा आश्वासन दिया कि हाँ हो जाएगा, जांच करवाता हूँ मैं, किसी उच्च अधिकारी से नहीं करवाई। ऐसे करते करते मेरे 2.5 साल निकल गए। मैं गाजीपुर दिल्ली रहती थी और मेरा बेटा भी वहीं पढ़ता था, 19 तक मेरा बेटा। तो हम अपनी मर्जी से लेंगे, चाहे तुम कुछ ही बोलो। तो मैं बयान देने जाती, शंकर साय राजेंद्र प्रसाद दोनों चेयर डाल के बैठ जाते, वही तो राजा और वही चोर है। मैंने मेरे डैडी, मैं डीजी के पास गए तो उन्होंने झूठा आश्वासन दिया कि हाँ हो जाएगा, जांच करवाता हूँ मैं, किसी उच्च अधिकारी से नहीं करवाई। ऐसे करते करते मेरे 2.5 साल निकल गए। मैं गाजीपुर दिल्ली रहती थी और मेरा बेटा भी वहीं पढ़ता था, 19 तक मेरा बेटा वहीं पढ़ा। तो फिर ये लोग, चाहे राजस्थान के हो चाहे हरियाणा के हो, मैं किसी के पक्ष में नहीं बोलना चाहती, ये लोग डाक लेकर आते, मेरे मम्मी पापा को परेशान करते, यहाँ डाक लेके आते, साइन करते, थाने जाते, जिसमें मैं वहीं रहती थी। लेकिन मैं भी जिद पे थी कि इन अधिकारियों की जांच हो। मेरे साथ ये बदतमीजी कर रहा है 4 साल से, जितना गंदा हो सकता मेरे से गंदा बोलता। मैं 4 बजे सुबह ड्यूटी हूं तो मैडम आपको ठंड लग रही है, मैडम आपको चाय चाहिए, सर आप चाहते क्या हो, मेरे को ठंड लग रही है चाय चाहिए, ऐसी आपको मतलब क्या, औरों से पूछते हो क्या। तो ऐसे मतलब वाहियात, उनका मतलब कहने का तरीका गलत होता था जो मैं आपको नहीं बता सकती। तो फिर ऐसे ऐसे 2.5 साल हो गए, 2.5 साल बाद ये दोनों ट्रांसफर चले गए राजस्थान। तो आई पूजा वाणा IPS, जो आपके फलोदी में SP है। मैंने उसको कहा मैडम 2.5 साल से मेरी ऐसे ऐसे है, और मैडम मेरी कभी कोई गलती नहीं थी, ड्यूटी करवाते एब्सेंट डालते रियेरो। तो उन्होंने कहा मैडम रेप तो नहीं हुआ, उन्होंने बुलाया तुमने मना कर दिया, बात खत्म, रेप होता तो केस बनता, तो मतलब कोई छेड़ दे गंदा बोले तो कुछ बनता ही नहीं है। तो बोली मैडम ऐसे है कि आप ड्यूटी ज्वाइन कर लो, नहीं तो मैं घर बिठा दूंगी, नहीं तो मैं मोदी से डरती हूँ, नहीं मैं ममता शर्मा से डरती हूँ, समझी आप। मैंने कहा मैडम ऐसी बात है ना, तो मैं बगैर जांच, अब इज्जत की बात है, बगैर मेरी इंक्वायरी हुई जांच हुई मैं ज्वाइनिंग नहीं करूंगी। तो उन्होंने मेरे को डिसमिस फ्रॉम सर्विस कर दिया। और पूजा वाणा ने मतलब उनका बोलने का लहजा इतना गंदा था कि मैं तुम्हारे बाप की नौकर नहीं हूं, मैं जांच करूं। सुनिए IPS पूजा वाणा, आप मेरे बाप की नौकर नहीं हो ना, तो मैं भी आपके बाप की नौकर नहीं हूं, ठीक है। हमें गवर्नमेंट पे देती थी, हम तब ड्यूटी करते थे, और जैसे SI भर्ती में है, मेरे को लगता है कि तू भी एक वाहियत घटिया औरत है, फर्जी ऐसे पेपर खरीद के IPS बनी है, तेरे को पता नहीं है क्या। इसने मेरे से वो रंजिश निकाली है, GPF LIC सब कुछ मेरा जमा कर दिया गया, तो जो सिर्फ देशद्रोही का होता है। आपसे रंजिश क्या थी कि वहां पेपर आउट हुआ था, उस टाइम शंकर साय थे, राजेंद्र प्रसाद थे, लड़कियों ने खरीदा, जो खरीदा वो भी सर्विस कर रही है, और जिनके लिए खरीदा था 8 तारीसी में वो भी सर्विस कर रही है, और जो फर्जी डिग्री की मेरे साथ बीकानेर ट्राई किया
और फिर वो दोबारा सर्विस लगी है दूसरी जगह से, वहां ओवर एज होगी, दूसरी जगह से 5 साल बाद आती है और वो बंदी आज 8th RAC में नौकरी कर रही है। और उसकी रिश्तेदार कोई 12th RAC में है, उसने उसको फर्जी डिग्री बनवाकर लगवाया गया है। और वो बंदी मेरे खिलाफ कल को मेरे को बयान दे रही है अधिकारियों से कि मैं इसके घर डाक लेकर गई, बदतमीजी करी, मैडम मेरा गिरेवान पकड़ने से पहले तू खुद फर्जी डिग्री लेके बैठी है, अपना गिरेवान में झांक कर देख, मेरे घर आती है, चाय बिस्किट खाती है। तो ये राजस्थान पुलिस की औकात है। और SI वाला बिल्कुल सब्जी के रेट में पेपर बिका। और मैं राजस्थान के मुख्यमंत्री जी से एक बात पूछना चाह रही हूं कि आप राजस्थान पुलिस को क्यों बचा रहे हो? जो पेपर आउट हुआ है SI का, क्या राजस्थान पुलिस का हाथ नहीं है इसमें? है। और राजस्थान पुलिस को बिल्कुल बचा रहे हैं, बच्चों के साथ बिल्कुल अन्याय हुआ है। मेरी 12 साल की नौकरी थी और 8 साल मुझे आज कोर्टों में घूमते हो लिए, क्योंकि अधिकारी राजस्थान के, जनता राजस्थान की, जो भी था राजस्थान के, और जिन लोगों ने मेरे खिलाफ गवाही दी, क्या उनका एक का भी बयान कोर्ट में हुआ? मैं 4 वकील बदल चुकी हूं लेकिन मेरा फैसला अभी तक नहीं आया। मुझे 8 साल हो गए, मेरा बेटा 8 साल से आज 17 साल का हो गया। मैंने मेरा गुजारा कैसे किया है, मेरे बच्चे को कैसे पाला है? मैंने राजस्थान के मंत्रियों के पास भी फोन किया, एक बार तो मेरा फोन उठाते हैं वो, बात करते हैं, हरियाणा का नाम लेते ही वो फोन काट देते हैं क्योंकि उनको वोट नहीं मिलता। ये वोटों पे काम करते हैं, ये वहां जाते हैं भीख मांगने जहां इनको वोटें मिलती हैं। मैं हरियाणा से थी, ये तो मेरे को एक बार किसी मंत्री ने बोला, भाई हम तेरी हेल्प क्यों करें, तू हमें क्या देगी, तू तो हमें वोट भी नहीं दे सकती। अरे सर इंसानियत तो रखो, फिर बोलोगे पाकिस्तान ने ये कर दिया, बाहर बच्चे गए थे, ये होगा। तुमने तो इंडिया के अंदर ही पाकिस्तान बना रखा, क्षेत्रवाद, जातिवाद। अब वो मेरे लिए था ना, तो वहां तुम्हारे बच्चों का भी नुकसान हुआ ना। पेपर आउट हुआ है, अब पेपर आउट में शंकर साहे, राजेंद्र प्रसाद और जो महिला कॉन्स्टेबल, मैं उनको उठवा दूंगी। और पेपर आउट जो फर्जी डिग्री वाली है, तो मोदी जी आप बोलते हो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, हमारे परिवार ने तो बेटी भी बचा ली, बेटियों को पढ़ा भी लिया, लेकिन आपके पुलिस ने, मंत्रियों ने क्या किया हम लोगों के साथ? मेरी 12 साल की नौकरी छीन ली, मेरे को 4 साल तो डिप्रेशन में निकलते हो गए, लेकिन मैं इसको कैसे प्रूव करूं कि भाई पेपर आउट हुआ था? वो तो जो चाहते थे अधिकारी चाहते थे, लेकिन मैं उनको खटकने लगी थी क्योंकि मैं पेपर आउट के बारे में जानती थी। तो इस रंजिश में LIC GPF सब कुछ जमा कर दिया गया मेरा। कहां का न्याय है ये? राजेंद्र प्रसाद, शंकर साहब, पूजा वाणा को कुछ मिला है ना उसमें? तभी पूजा वाणा ने मेरा LIC GPF मेरे को मरने को मजबूर कर दिया। लेकिन पूजा वाणा जी, मैं आज भी जिंदा हूं और मेरा बेटा 17 साल का हो चुका है। मेरे बेटे के मुंह से निवाला, मेरे मुंह से निवाला छीना है तूने, तो कभी तेरा निवाला छीने ना, मेरे बेटे की बद्दुआएं याद कर लेना। तूने कितना बुरा किया। पेपर आउट शंकर साय ने किया, राजेंद्र प्रसाद ने किया, खरीदने वाली लड़कियां सभी, क्या बताऊं, जितना बताऊं उतना ही कम है इन लोगों के लिए।